लकी का फकीर, या रब, लव डे, रक्त चरित्र, अल्लाह के बंदे जेवा फिल्मों थी बॉलीवुड में पोतानुं नाम रोशन करनार एजाज खान मंतव्य टीम साथे जोड़ाई गया छे। एजाज भाई, मंतव्य चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार तुम्हारा। भरूच में भी आपका स्वागत है। आप बताएं कि भरूच में क्या प्रोग्राम के साथ आप आए हैं? भरूच में हमारे एक भरूच हमारे बहुत करीब है, हमारे बहुत ही करीबी लोग रहते हैं। मौलाना अनस हमारे एक वो रहते हैं, फिर हमारे भाई आसिफ पटेल रहते हैं। तो इन्होंने हमें देखा कि हम मेहनत कर रहे हैं गरीबों के लिए, हमसे अल्लाह करवा रहा है। इन्होंने देखा कि हमारे पास एक ज़मीन है, उन्होंने हमारा आइडिया सुना कि हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, और किस किस्म का खोलना चाहते हैं, क्यों खोलना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ चीटिंग हो रही है, हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ लोगों का खून चूसा जा रहा है। मतलब एक आदमी जब परेशान होकर तुम्हारे पास आता है, उसको तुम अब मतलब आप समझ रहे हो आपका दिल किस लेवल पे सूख चुका है। तो उन्होंने कहा कि हमारा जहाँ पे लैंड है वहाँ पे आप हॉस्पिटल खोलिए, अल्लाह के बंदे फाउंडेशन से, और हम सब मिलके बनाते हैं, इसलिए हम भरूच आए। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन भरूच से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या प्लानिंग है आपका आगे अल्लाह के बंदे फाउंडेशन को लेकर? हम हॉस्पिटल, स्कूल और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे, जितना भी लोगों से मदद हो सके हम उनके लिए मदद करेंगे और करवाएंगे, और ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, जिनका इलाज नहीं हो पा रहे, जिनको दुनिया ने मतलब छोड़ दिया है, दुनिया में इतना कुछ होने के बाद उनके लिए अल्लाह के बंदे, और ये सिर्फ मुस्लिम या हिंदू या सिख या ईसाई ये वाला चक्कर नहीं है, ये अल्लाह के बंदे, हम सब अल्लाह के बंदे। बॉलीवुड के अंदर आपने डेब्यू किया था सन 2009 में, तब से लेके अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा बॉलीवुड में, और आगे का आपका बॉलीवुड में क्या प्लानिंग है? सफ़र बड़ा लंबा था, हम शॉर्टकट में बता दें। ओ जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, समझे कि नहीं भाई जी? तो अगर ज़िंदगी में आए हो तो तुम्हारे सफ़र में कुछ ऐसे काम भी कर लो कि तुम्हारी आखिरत सही हो जाए। आई मीन व्हेन यू डाई वो बैठा है, अगर तुम उसमें मानते हो तो फिर वो हिसाब करता है। तो कुछ अच्छे काम भी कर जाओ और दुनिया के लिए कुछ दे के जाओ, वरना भाई दुनिया भूल जाती है। इंसानों के अंदर जो नाइतफाकी पैदा हुई है, जैसे कि वो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो ये सारे चीज़ों को दूर रखकर आपने एक इंसानियत का संदेश देना आप निकले हो, बहुत अच्छी बात है। और किस तरीके से आप अभी इसको लेके आगे चलने वाले हो? सच कहूँ तो हमें भी था थोड़ा हिंदू मुस्लिम, क्योंकि समाज ऐसा था कि वो आ जाता था, लेकिन वो एज के हिसाब से जाता गया और अब बिल्कुल चला गया। अब हमारे लिए इंसानियत हर धर्म से बड़ी है, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं यार कि तुम कोई भी धर्म उठा लो, उस धर्म में कभी भी ये नहीं कहा कि मुसलमान को मार दो, हिंदू को मार दो, ये कर दो, वो कर दो। किसी धर्म में ये इंसानों ने बना लिया अपनी सहूलियत के लिए। मैं तो कहूँगा ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, लोगों के दिमागों में लोगों के अच्छी चीजें नहीं डाली जाती। एजाज भाई, लोग जानना चाहते हैं कि एजाज खान राजनीति में आ जाएंगे, तो दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे? दर्शकों, हम आपसे वादा करते हैं हम राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जो इंसान को सीधा जहन्नुम में लेके जाएगी। हम वक्त पड़ा तो सिस्टम के लिए, लोगों के लिए कुछ पावर मिलेगा तो वो ले सकते हैं, और वो इंशाल्लाह आपके लिए यूज होगा, लेकिन हम राजनीति नहीं करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे इंशाल्लाह। समाज सेवा बहुत बड़ी चीज होती है, राजनीति एक अलग चीज होती है, राजनीति बहुत गंदी चीज है। एजाज भाई, बताएं कि बिग बॉस 7 में वाइल्ड कार्ड से आपने एंट्री की थी, तो बिग बॉस का सफर आपका कैसा रहा था, क्या कहते हैं उसका? बिग बॉस में सलमान खान को हमसे प्यार हो गया था, तो ऐश्वर्या, कैटरीना सब जलने लगी थी, वो भाइयों वाला प्यार था, और उनसे करीब हुए, उन्होंने हमें बहुत तारीफ दी, उन्होंने कहा कि बहुत वादे भी किए उन्होंने, लेकिन पूरे कोई नहीं करता, वादे सब करते हैं। हम बहुत कुछ सीखे वहाँ पे कि एक रोटी की कीमत क्या होती है ना, वो भी हमने वहाँ पे सीखा कि एक ही रोटी मिलती थी और एक रोटी आदमी को मिले, और तुम 5 रोटी खाने वाले आदमी हो, चिकन खाने वाले आदमी, तुमको इतनी दाल दे देंगे लोग,
फिर तुम्हारा पारा छटक जाएगा, तुम थोड़ी देर के बाद बोलते ना जैसे अंदर डाल देते हैं, डाल दो 10 लोगों को और 10 लोगों की फेवरेट चीजें ले लो, अंदर बहुत परेशान करते हो लोग, उसके अंदर तुम जनता के लिए क्या करते हो वो इंसानियत है। आप मुझे चमाट मार दो मैं आपको गोली मार दूं, ये इंसानियत नहीं है। आप मुझे चमाट मारो तो मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या हुआ तुम्हें, क्यों चमाट मारी, क्या प्रॉब्लम है, ये इंसानियत है। भरूच के अंदर जो सोशल वर्कर है आसिफ पटेल, उनके साथ एक अस्पताल ओपन करने जा रहे हो, कैसी रहेगी ये अस्पताल और क्या होगा इसका विशेष, क्या होगा इस अस्पताल? भाई इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली है इंशाल्लाह ताला, बहुत लोगों का इलाज होने वाला है। इसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो किसी हॉस्पिटल में नहीं होगी, ये हम चैलेंज करते। तुम फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ, मशीन तो बहुत सारे हॉस्पिटल में यूज साल में एक बार नहीं होते, फ्री में पड़े रखते हैं लेकिन साला गरीब आदमी के लिए यूज नहीं करते हो। मतलब यार जब पड़ी हुई है कोई चीज इस्तेमाल हो सकती है उसको भी नहीं करते कि सिर्फ गरीब का बच्चा है जाने दो मरने दो, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे कोई वापस चला जाए हमारा गला काट देना। एक बात और थी कि हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों की बात ना करते हुए कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि एक आम औरत की नॉर्मल डिलीवरी की बजाय उसको ऑपरेशन कर देते हैं, या जिसको एसिडिटी की वजह से सीने में दर्द है तो उसका बाईपास कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके हॉस्पिटल उन लोगों के लिए चैलेंज है। चैलेंज हम खुद उनके लिए चैलेंज बन चुके हैं आपकी दुआ से। देखो मैं ये कहूंगा कि यारो डॉक्टरों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, तुम चला गरीब आदमी से पहले पूछते हो कितने की दाल हो, कितने का आलू दिया, फिर दो जगह और जाके पूछते हो कितने का आलू है, फिर एक रुपया कम होता है वहां पे करा दो। अरे भाई डॉक्टरों से इनसे भी गया हुआ सलूक करो, पांच जगह जाओ फिर एक आदमी को देखो, पांचों अलग अलग नहीं बोले हमारा नाम बदल देना, उसके बाद अल्लाह पे यकीन कर लेना, मुसल्ला बिछा लेना, मंदिर चले जाना, चर्च चले जाना, गुरुद्वारा चले जाना और उनसे मांग लेना वो इनके बाप बैठे हैं, ये लोग साले चोर हैं। धन्यवाद अजाज भाई मंतव्य न्यूज में आपको आने। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। બોલિવૂડની અંદર પોતાનું આગવું નામ ધારણ કરી અને બોલિવૂડને એક સારા પ્લેટફોર્મ પર પહોંચાડનારા એઝાઝભાઈ અત્યારે સોશિયલ વર્કમાં આગળ વધી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન વસંત ગોયલ સાથે વસીમ મલેક, મંતવ્ય ન્યૂઝ, ભરૂચ।